अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है आपका, उसमें आप अगर जो है वो कोई भी चेंजिंग करवाना चाह रहे हैं उसके लिए, रजिस्ट्रेशन या जो ओवरसीज़ हैं वो रीप्रिंट करवाना चाह रहे हैं, या उनके लिए जो सहूलियात हैं उनके वो ऑनलाइन जो है वो किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पासपोर्ट की वेबसाइट पे ऑनलाइन जाके। इसके लिए आप लोगों ने गूगल में जाना है, गूगल में जाके आप लोगों ने लिखना है ऑनलाइन। ये आप लोगों ने लिखना है ऑनलाइन EMRP, उसके बाद ये DGIP.gov.pk ये नीचे आ गया। ये हम लोगों ने इसके ऊपर जो है वो इसको क्लिक किया और हमारे पास जो है ये फर्स्ट ही लिंक आ रहा है ऑनलाइन EMRP.DGIP.gov.pk। इसके ऊपर ही फर्स्ट लिंक को हमने खोल लेना है। ओपन करेंगे फर्स्ट लिंक तो ये देखें टॉप पे हमारे पास जो है ये जो हमारे पास URL आ रहा है ये देखें .gov.pk, इसका मतलब ये ऑफिशियल है DGIP। आप लोगों ने ध्यान से ये किसी रॉन्ग वेबसाइट पे जाके आप लोगों ने इंफॉर्मेशन नहीं ऐड करनी, ताकि आप लोगों के जो है ना वो पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी और के पास जो है वो ना जाए। अटेंशन, बी अवेयर ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, प्लीज़ नोट। ये इन्होंने कहा है कि हमारे पास जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पाकिस्तानी पासपोर्ट कैन अप्लाई बी सबमिटेड एट द ऑनलाइन, ये हमारा कहते हैं ऑनलाइन एक ही जो है वो URL है, एक ही वेबसाइट है, इसके अलावा हमारी कोई वेबसाइट नहीं है। ये इसलिए कह रहे हैं कि फ्रॉड से जो है वो आप लोग अवेयर रहें। उसके बाद फॉर पाकिस्तानी पासपोर्ट फॉर रिन्यूअल के लिए, उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी हमारे पास, ये इस तरह से ओपन हो जाएगी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर रिन्यूअल। अगर आप पासपोर्ट जो है वो रिन्यूअल करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए इनलैंड एंड ओवरसीज़, और यहाँ पे रिन्यूअल के लिए ओवरसीज़ और इनलैंड दोनों के लिए, पाकिस्तानी और जो है वो ओवरसीज़ के लिए ऑप्शन दोनों के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट जो है ज़्यादा ऑप्शन जो है ओवरसीज़ के बारे, ओवरसीज़ जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है। रीप्रिंट डैमेज पासपोर्ट, रीप्रिंट लॉस, अगर गुम हो गया है उसको प्रिंट करवाना। उसके बाद न्यू फॉर न्यूली बोर्न, जो नया बेबी जो है वो उसके लिए न्यूली बोर्न के लिए पार्शल मॉडिफिकेशन फॉर न्यूली मैरिड फीमेल एप्लीकेंट्स, अगर कोई जो है वो मैरिड उसके लिए जो अपडेट डाटा में करवाना चाह रहा है उसके लिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह से आ जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आपके पास पहले से जो है वो लॉगिन रजिस्ट्रेशन हुई है तो लॉगिन पे क्लिक करना है, नहीं तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो इस तरह से स्टेप 1 एंड स्टेप 2, इस तरह से दो स्टेप आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों ने गिवन नेम में फर्स्ट नेम लिखना है अपना, और सर नेम में आपने अपना जो लास्ट नेम सर नेम है वो लिखना, फादर नेम नहीं लिखना। उसके बाद ये पासपोर्ट पे भी होगा, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। जो आपका पासपोर्ट होगा उसके ऊपर लिखा हुआ होगा गिवन नेम और सर नेम, ये देखें फर्स्ट आबा जो है वो सर नेम लिखा हुआ है इनका, और जो सेकंड है वो इनका जो है वो गिवन नेम लिखा हुआ नीचे। तो ये आप लोग जो है वो चेक करके अपना जो गिवन नेम और सर नेम जो है वो लिख। नेक्स्ट आपने कंट्री सेलेक्ट करना है, कंट्री सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट जो है वो, उसके बाद आप लोगों ने मोबाइल नंबर अपना सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर के बाद ईमेल एड्रेस जो है वो लिखेंगे। नेक्स्ट आपने पासवर्ड एंटर करना है, पासवर्ड जो भी आपने लिखना है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर भी होने चाहिए, नंबर भी और स्पेशल करेक्टर भी हो जाए तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाएगा। उसके बाद रीटाइप पासवर्ड करना है। नेक्स्ट आपने ये कोड लिखना है जो भी यहाँ पे कैप्चा होगा वो लिखेंगे। कैप्चा लिखेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आप लोगों ने। एक बात आपको बता दूं, जो आपका पासवर्ड होना चाहिए वो मिनिमम जो है वो 8 करेक्टर्स का होगा तो आपका अकाउंट बनेगा, और उसमें लोअर केस, अपर केस और जो है वो स्पेशल करेक्टर भी होने चाहिए और नंबर भी होना चाहिए, फिर आपका जो है वो पासवर्ड क्रिएट होगा, नहीं तो बार बार आपको एरर आएगा।
ये आपको जो है मैसेज आएगा इस तरह से, सक्सेस एन ईमेल और एसएमएस हैज़ बीन सेंट ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर विद पिन फॉर वेरिफिकेशन। ये कह रहा है मोबाइल नंबर पे या ईमेल एड्रेस पे आपको जो है वो पिन सेंड कर दी गई है, आप लोगों ने अपना जीमेल या जो भी ईमेल का अकाउंट है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये हमें ईमेल आई हुई थी, ई पासपोर्ट सक्सेसफुल अकाउंट रजिस्ट्रेशन, ये देखें जो है वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट, यहाँ पे लिखा हुआ आपका नेम जो है वो, यहाँ पे ये कोड आएगा, आप लोगों ने ये कोड जो है वो इसको कहीं पे सेव कर लेना है और यहाँ पे कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है एंटर वेरिफिकेशन पिन्स, यहाँ पे आप लोगों ने वेरिफिकेशन पिन लिखनी है अपनी जो भी आपको आई होगी, वो लिखने के बाद आप लोगों ने ये फिर जो है वो कैप्चा लिखना है, ये जो आपके पास ये कैप्चा शो हो रहा होगा, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है, ये वेरीफाई का बटन है। उसके बाद ये देखेंगे लॉग इन टू योर ई पासपोर्ट अकाउंट, सक्सेस योर एक्टिवेशन प्रोसेस हैज़ बीन कम्प्लीटेड, प्लीज़ लॉग इन विद योर यूज़र नेम पासवर्ड। हमारी जो है वो रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो चुकी है, अब आपने जो है वो लॉग इन करना है। लॉग इन करके भी आपको चेक करवा देते हैं किस तरह से लॉग इन करना है आप लोगों ने, ये यहाँ पे साइन इन विद योर एग्जिस्टिंग अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आप लोगों ने ये मेन पेज पे आ गए, लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी लॉगिन डिटेल देनी है, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा वो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आप लोगों ने पहले ईमेल एड्रेस लिखना है, फिर पासवर्ड लिखना है, पासवर्ड लिखने के बाद आप लोगों ने ये कोड लिखना है, जो भी कोड होगा वो आप लोगों ने लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने लॉगिन पे क्लिक करना है, ये लॉगिन का बटन है, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो प्लीज़ वेट का वो कह रहा है, वेट करेंगे तो हमारे पास जो है ये पेज जो है वो इस तरह से टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन आ जाएगा। टर्म एंड कंडीशन को आप लोगों ने नीचे इसको रीड कर लेना है, रीड करने के बाद इसको आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से न्यू एप्लीकेशन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन डाउनलोड, ये आप यहाँ से कंप्लीट जो है वो डिटेल चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने पहले से ही एप्लीकेशन जो है वो इन प्रोसेसिंग है या रिजेक्टेड है या कंप्लीटेड या कैंसिल है, वो आप लोग ट्रैकिंग के थ्रू आप ट्रैक भी कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग न्यू एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो है वो दोबारा कोई और वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।